कानपुर में हैरान करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर से एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को मार डाला। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाले डॉक्टर सुशील कुमार रामा मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन के विभागाध्यक्ष हैं। उनकी 50 साल की पत्नी चंद्र प्रभा प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका थी, जबकि 21 साल का बेटा शिखर और 16 साल की बेटी खुशी पढ़ाई कर रहे थे। घटना वाले दिन आरोपी डॉक्टर सुशील कुमार ने हथौड़े से सिर पर वार के बाद पत्नी, बेटे और बेटी खुशी को गला दबाकर मार डाला। मौके से 10 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आरोपित ने डिप्रेशन के चलते वारदात करने की बात लिखी। परिजनों के मुताबिक अवसाद का शिकार सुशील का इलाज चल रहा था। बीते दिनों वो कोरोना का नया वेरिएंट आने पर परेशान हो गए थे। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है। डिविनिटी होम्स अपार्टमेंट में एक मर्डर की सूचना मिली थी, तो हम लोग सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तीनों मरे हुए हैं। प्राथमिक विवेचना में यही हमें मिला है, विवेचना चल रही है। जो भी आगे डिटेल्स मिलेंगे हम आपको अवगत कराएंगे।